पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे में लोगों से ठगे गए रुपए बरामद किए गए। इसके साथ ही 18 फोन रिसीवर, 4 बड़े मोबाइल फोन और 3 छोटे कीपैड वाले मोबाइल फोन, इनके साथ ही 135 छोटे बड़े रजिस्टर रबर की मोहरे लेटर हेड बरामद की गई। पकड़े गए अभियुक्तों का नाम सोनू बलराम और अमन है। ये लोग विजयनगर के सेक्टर 12 प्रताप विहार में फर्जी कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहे थे और लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और इन सब को रंगे हाथ पकड़ लिया। ऐसे गाजियाबाद से सुनील शर्मा की एक खास रिपोर्ट। और वहाँ से 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से 3 अलग अलग, सोनू, बलराम और अमन नाम है इनका। इसमें सोनू और बलराम मूल रूप से बिहार के बक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा व्यक्ति यहीं का रहने वाला है जो अमन है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो बीमा पॉलिसी धारक होते हैं, इनके उन्होंने लिस्ट सेल्समैन के माध्यम से प्राप्त की थी और उनकी सूची बना करके, जो अधिकांशतः पैसा अपना किसी माध्यम से बीमा का वो नहीं चुका पाते हैं, तो इसमें से उनको उन्होंने टारगेट किया। विशेषकर उड़ीसा जिले के, मतलब उड़ीसा राज्य के ही अधिकांश पब्लिक को इन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी की थी, जो इनके द्वारा बताया गया लगभग 1000 लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। और इससे फिर नई पॉलिसी ये खुलवा करके लगभग आधा कमीशन इससे प्राप्त करते थे। यही इनका ही पूरा कार्यप्रणाली थी। पहले भी ये नोएडा में भी काम कर चुके थे एक साथ, और इन्होंने ये पूरी प्लानिंग बनाई थी। और ये प्रताप विहार में लगभग 1 साल से ये फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। अभी इनसे पूछताछ और की जा रही है, हो सकता है इसमें कुछ और लोग भी सम्मिलित हों या दूसरे जिले के भी लोग हों। अभी इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से जो अधिकांश लोगों से ठगे हुए लगभग 1,90,000 रुपये, कुछ मोबाइल बरामद हुए, लेटर हेड बरामद हुए हैं। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, हो सकता है इसमें कुछ और भी लोगों के नाम प्रकाश में आए। सर अभी तक कितने, लगभग 1000 से कितने रुपए ये ठग चुके हैं? 1000 लोग जो इनके द्वारा बताया गया है, इन्होंने लगभग 1000 लोगों को टारगेट किया था। और विशेषकर किसी खास क्षेत्र के ही लोग को टारगेट करते हैं, जहां इनको ये पता रहता है कि वहां शिकायत नहीं हो पाएगी, वही उनके टारगेट में रहते हैं। और इन्होंने बीमा पॉलिसी धारकों को ही टारगेट किया जो किसी कारण अपना पैसा नहीं चुका पाते थे, उनसे फिर नया इन्होंने बीमा पॉलिसी बना करके उनसे कमीशन के रूप में पैसे लेते थे। तो अभी इनसे और भी पूछताछ की जा रही है, हो सकता है इसमें कुछ और भी लोग सम्मिलित हों। अभी इन्हें गिरफ्तार करके भी जेल भेजा जा रहा है।